नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो देश और दुनिया से बधाई संदेश आने लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने इसी बीच मोदी सरकार और भाजपा को जिस तरीके से खरी खरी सुनाई है उससे सब आश्चर्यचकित हैं। हालांकि विपक्ष ने भागवत की टिप्पणियों का स्वागत किया है। देखा जाए तो मणिपुर की अशांति को लेकर भाजपा की चुप्पी पर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वह एनडीए सरकार के लिए बड़ी चेतावनी की तरह है। मणिपुर में अब जिस तरीके से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां के मुद्दे हल करने में केंद्र और राज्य सरकार नाकाम रही है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख अपने संबोधन के जरिए जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं उससे प्रदर्शित हो रहा है कि इस बार अस्पष्ट बहुमत से दूर रही भाजपा को सिर्फ अपने गठबंधन सहयोगियों को ही साथ लेकर नहीं चलना होगा बल्कि संघ परिवार के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। आरएसएस के कई पदाधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव से पहले भाजपा ने अति आत्मविश्वास के साथ अब की बार 400 पार का नारा लगाना शुरू किया था। तब संघ परिवार के लोगों ने उन्हें जमीन पर रहकर काम करने की सलाह दी थी, लेकिन पार्टी के नेताओं को मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने किसी भी तरीके की बात नहीं सुनी, आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। देखा जाए तो लगभग ऐसी स्थिति साल 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी, जब भाजपा के नेता इंडिया साइनिंग के नारे लगाकर इतना उस पर भरोसा करने लग गए थे कि उन्होंने अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करनी चालू कर दी थी। और रही सही कसर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कथित तौर पर आरएसएस के बारे में दिए गए बयान से पूरी हो गई थी। चुनाव के बीच ही आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से भाजपा से दूरी बना ली थी उससे पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से इशारों में भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में अब नागपुर की ज्यादा चलेगी। हम आपको याद दिला दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भागवत की पहल पर नितिन गडकरी को नागपुर से दिल्ली भेजा गया था ताकि वह पार्टी को संभाले, और उस समय भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार जैसे दिल्ली की राजनीति में प्रभावी थे, लेकिन सबको दरकिनार कर गडकरी को लाया गया था। जहां तक मोहन भागवत के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि एक बार तो उन्होंने मणिपुर में एक वर्ष के बाद शांति स्थापित नहीं होने पर चिंता जताई है, साथ ही देश के सभी समुदाय के बीच एकता पर जोर दिया है। आरएसएस प्रमुख ने साथ ही चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनी पहली टिप्पणी में मोहन भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचना चाहिए। भाजपा की अनावश्यक बातों का अब कोई महत्व तो नहीं है। भाजपा की सीटें घटने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस कैसे हुआ, क्या हुआ जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं होता। उन्होंने कहा है कि मैं संगठन केवल मतदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसे में इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के संबंधों में जिस तरीके की खटास हाल के वर्षों में देखने को मिल रही है उससे यह इशारा करते हुए मोहन भागवत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अहम सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि आम जनता के लिए काम किया जा सके। भागवत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बहुमत हासिल करने के लिए होते हैं और यह एक प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। उन्होंने विपक्ष की विरोधी कहने की बजाय प्रतिपक्ष नाम से पुकारने का सुझाव भी दिया है। भागवत का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे समुदाय के बीच दरार पैदा हो सकती है। भागवत का इस बात पर अफसोस जताना भी स्वाभाविक है कि आरएसएस को बिना किसी कारण राजनीतिक विवादों में घसीटा जाता है। दूसरी ओर भले इस बार का लोकसभा चुनाव बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ हो, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मिथ्या प्रचार और अफवाहों का बाजार खूब देखने को मिला। और इस बार भी इशारा करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि चुनाव में हमेशा दो पक्ष होते हैं, लेकिन जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने परोक्ष तौर पर डीप फेक आदि की ओर इशारा करते हुए ये कहा है। वहीं तकनीकी का उपयोग करके झूठ फैलाया गया है। हम आपको याद दिला दें कि चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण के बारे में विवादित बयान वाला डीप फेक वीडियो जारी किया गया था, जिसे कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी कर दिया था। और इसके अलावा मोहन भागवत ने देश की विविधता
सम्मान करते हुए आगे बढ़ाने की नसीहत दी है और कहा है कि एक दूसरे की उपासना पद्धति पर सम्मान किया जाना चाहिए। भागवत का यह कहना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों की अच्छाई और मानवता को अपनाया जाना चाहिए और सभी धर्मों के अन्यायियों को एक दूसरे पर भाई बहन के रूप में सम्मान करना चाहिए। देखा जाए तो भागवत का यह नसीहत उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो टीवी की बहसों में, सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों में धर्म विशेष पर निशाना बनाते हैं। यकीनन ऐसे लोग के चलते ही समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग बात बात पर दूसरों को देश छोड़कर जाने की बात कहते हैं और उस बहस में सलाह देते हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए भागवत ने कहा है कि सभी को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे हैं। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ लोग यह सोचकर केवल विदेशी विचारधारा ही सत्य है समाप्त हो जानी चाहिए। प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अतीत की बातों को भूलने और सबको अपनाने की सीख दी है, साथ ही अपने जातिवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का आह्वान दिया है और अपने संगठनों के पदाधिकारियों से समाज और सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम करने के लिए कहा है। वहीं मोहन भागवत के संबोधन को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वह दर्शा रही हैं कि प्रतिपक्ष को भाजपा पर वार करने के लिए नया हथियार मिल गया है। खैर, पहले ही चुनावी नतीजों से परेशान दिख रही भाजपा यदि भागवत की नसीहत पर तत्काल प्रभाव से अमल करे तो यकीनन वह जल्द ही निराशा के भंवर से उबर सकती है।